खबरों में आज बात करते हैं जौनपुर क्षेत्र की, जहां ब्लॉक मुख्यालय की नजदीकी ग्राम पंचायत थापला में ग्राम प्रधान बबीता सजवान के आग्रह पर धनोल्टी उपजिलाधिकारी मंजू राजपूत के निर्देशन पर पत्रकार वीरेंद्र वर्मा, रॉबिन व चमन द्वारा ग्राम पंचायत की 3 दर्जन महिलाओं को गांव में ढिंगरी मशरूम का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने बड़ी उत्सुकता के साथ रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए बगैर ऑर्गेनिक ढंग से ढिंगरी मशरूम का प्रशिक्षण प्राप्त कर समूह के माध्यम से लगातार मशरूम की खेती करने का मन बनाया। गांव में पहली बार मशरूम के उत्पादन के प्रशिक्षण पर महिलाएं काफी प्रसन्न नजर आई। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। मशरूम की खेती किसानों के लिए कम जगह व कम खर्चे और कम समय अधिक उत्पादन के साथ मुनाफा देने वाली फसल बनती जा रही है। पौष्टिकता से भरपूर सब्जी के रूप में मशरूम का तेजी से विकास हो रहा है। मशरूम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन जैसे पोषक तत्वों की भरमार है। घरों में सब्जी के रूप में इस्तेमाल होने के साथ साथ कंपनियां भी मशरूम के कई उत्पाद बनाकर बाजार में बेचती है। यदि आप भी स्वरोजगार हेतु मन बना रहे हैं तो मशरूम की खेती अच्छा विकल्प बन सकता है। नमस्कार, मैं बबीता सजवान, ग्राम पंचायत थापला से प्रधान। आज हमारे ग्राम पंचायत में वीरेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में और SGM मैडम के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा एक मशरूम ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया है और सभी महिलाओं काफ़ी उत्सुक दिख रही थी इस ट्रेनिंग को लेकर, और उनके आगे सशक्त होने के लिए ट्रेनिंग बहुत आवश्यक थी और सभी महिलाओं का कहना है कि वो आगे भी इस तरह से ट्रेनिंग लेना चाहती हैं और अपने आप को सशक्त बनाने हेतु इस तरह की ट्रेनिंगों में प्रतिभाग करके अपने गांव और अपने समूह का नाम रोशन करना चाहती है। धन्यवाद।